भाई वो एक साहब थे, अब कहना नहीं चाहिए बात, बिल्कुल ही फारिग। हाँ बी कॉम अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने किया था, उसके बाद घर पे पड़े सड़े थे, रोटियां तोड़े थे। तो वो MIRC नया नया स्टार्ट हुआ था उस वक्त, हम तो छोटे थे। तो वो भाई बी कॉम किए हुए घर पे फारिग, घर वाले गालियां दे रहे हैं, कोई काम कर ले, कुछ कर ले, बिल्कुल ही फारिग। हम रात भर MIRC पे लगे हुए, उनको कोई खातून टक्कर नहीं। मेरे पर जिंदगी में पहली दफ़ा ASL डाला, उन्होंने F आ गया सामने से। तो अब खातून जो थी वो निकल आई और उनसे बातचीत शुरू हुई, सब कुछ हुआ। तो वो ऑथेंटिक खातून भी निकल आई, उनसे मुलाकात हुई। तो वो स्नूपी होता था एक ज़माने में, हाँ आइसक्रीम वाला दबदबा बड़ा में। मशहूर। तो स्नूपी पे आई तो खातून भी ठीक थी, कोई बुरी नहीं थी, और गाड़ी चला के आई थी अपनी मरगला। बंदा वो बिल्कुल ही बेकार, नॉर्थ नाजमाबाद के ब्लॉक का, हमारे वो पुराने गाँव का आया। ओके तो वो क्या, वो खातून क्या, तो पता चला वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, उनका ओके अपना क्लिनिक था और बड़ा, और गायनी शायनी बटा नहीं क्या, शी वॉज अर्निंग मनी एंड शी वॉज अ गुड बिग डील। अच्छा भाई साहब तो पीछे पड़ गए, उन्होंने बोला ये तो डन डील है, मैं बेकार, ये माश कमाती, ये दमाती। वो फुल प्यार मोहब्बत के कसीदे शुरू हो गए, और वो रोज़ जो है उनको गली के नुक्कड़ से उठा रही हैं, सारे लौंडे देख रहे हैं। दोपहर में वो 2 2:30 बजे आ रही हैं, वो भाई घर से आधे सोए हुए निकल के बैठ के जा रहे हैं, लेजेंड हो गए वो अपने मोहल्ले में। बहरहाल कुछ अरसा गुजरा, उसके बाद उनके कोई चचा मामू व्हाटएवर थे, वो कोई सरकारी नौकर थे, बड़े पहुँचे हुए, उन्होंने उनकी नौकरी लगा दी भाई साहब की, और अच्छी नौकरी लगा दी, गाड़ी मिल गई उनको, मतलब एज ए कंपनी उसमें, तो गाड़ी शाड़ी मिल गई, फुल मतलब इस्टेब्लिश हो गए, रैग्स टू रिचेज वाली कहानी हो गई ना, फुल सेटिंग हो गई उनकी। वो डेट उनकी चल रही थी, तो वो जो थे उनके रिश्तेदार, वो साथ में एडिट स्टिपुलेशन भी लेके आए थे कि जब ये किया है तो मेरी एक आदत है जो कि इतनी उम्र की हो चुकी है और घर पे बैठी हुई है, तो वो भी पार्ट एंड पार्सल है। और तुम्हें तो पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम का तो हमेशा सा पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा जोर होता था। तो ये तो है, ये तो डन है, करना ही करना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा भाई साहब जो थे बाद में रात की गैदरिंग में आते थे, हम दूचे भी वहाँ बैठे होते थे, सुन रहे होते थे उनकी, बड़े बड़े नहीं होते थे वो मोहल्ले में लोगों से डिस्कशन। तो एक साहब ने उनको बोला, अबे कटा ना, मज़े लो गए ना, बस घूम लिए, फिर लिए, खा लिया, बस उसको डॉक्टर को बोले बस दूसरा देख ले, अब तो घर वाले जहाँ करेंगे हम तो वहीं करेंगे भाई। उन साहब ने बहरहाल एक दिन उनको कह दिया कि भाई ऐसा ऐसा सिलसिला है, और मेरी शादी फलाने चाचा मामू ताया के यहाँ तय हो चुकी है, फलानी तारीख को वहाँ पे क्या कहते हैं मंगनी एंगेजमेंट है एंड फ्रेंडशिप फॉर एवर। ओके वो तो पुराना कन्वीनियंस। तो हाँ डायलॉग था ना, फ्रेंडशिप फॉर एवर, ये तो हाँ ख़त्म हो गई लेकिन फ्रेंडशिप फॉर एवर। हाँ खातून ने सिर्फ एक बात की कि देख लो, मैं तो तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, और अगर नहीं करोगे तो मैं अपने आप को भी गोली मार दूंगी और तुम्हें भी गोली मार दूंगी। अच्छा वो फिर बाद में आके उन्होंने रात में कचहरी में डिस्कस किया, तो एज़ यूजुअल जो बड़े बड़े हमारे बैठे होते थे, रिच बोला भाई वो ऐसी धमकी दे रही है, दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, टेंशन ना ले। बात ख़त्म हो गई, महीने गुजर गए, उसके बाद इवेंचुअली वो टाइम आ गया कि उनकी अगले दिन जो थी वो शादी की डेट फिक्स थी, और ये किसी काम से अपने दफ्तर गए हुए थे। तो उनके पियोन आया, बोलता है कि वो कोई साहिबा आई है मरगला गाड़ी में, और कह रहे हैं वो मुझे ऊपर जाके साहब से मिलना है। तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ, तो वो समझ गया कि भाई अगले दिन शादी है, तो वो अपना केस दोबारा हाँ रोने पीटने लिए आई है। तो इन्होंने एज ए कर्टिसी, मतलब मैं इसके साथ दोबारा आज जाके लंच या वो कर लेता हूँ, तो उतरे नीचे बैठ गए उनके साथ गाड़ी में चले गए। अच्छा खातून कुछ बोल नहीं रही, गाड़ी चलाई जा रही है अपनी, सुनाए जा रहे हैं कि दुनिया में ऐसा होता है, कुछ चीज़ें हाँ मेंट मेंट नहीं हाँ होता है, दे वांट वी वर्न्ट वी गर्लफ्रेंड वर्न्ट मेंट मेड फॉर फॉर ईच ईच अदर अदर ऑफ एंड ऑल कोर्स। दैट क्रैप। करते करते सिटी कोर्ट ले गई, ठीक है सिटी कोर्ट ले गई। सिटी कोर्ट में जो है बिल्कुल सामने गाड़ी लगा के, जहाँ पे गाड़ी अलाउड है वहाँ लगा के उनसे सिर्फ एक दोबारा उन्होंने सवाल पूछा, तुम उससे शादी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो उन्हें बोला देखो तुम्हें मैंने समझाया है ना, मजबूरियाँ होती हैं, ये होता है। उतनी देर में खातून ने पर्स खोला, अंदर से टीटी निकाली, ओ तेरी। वो लौट की बोला कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं। जब उन्होंने टीटी देखी और लौट होते देखी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। तो खातून ने उनका हाथ पकड़ा और बोला अंदर चलो। अंदर गई,
और दो तीन वो बुलाए गए विटनेसेस और कोर्ट मैरिज हो गई और अगले दिन जा वो वहीं से सीधा उनके घर गई, घर जाके उनके पेपर दिखाए उनके घर वालों को कि मेरी से शादी हो चुकी है, ये सब बंद करो। तो उनके चाचा वापचा जो थे उन्होंने जो भी थे उन्होंने जिस तरह नौकरी दी थी उस तरह ख़त्म करवाई लपाड़ में जाओ तो। और आज वो साहब एक अब्रॉड कंट्री में हंसी खुशी रहते हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं के साथ, क्योंकि वो तो वैसे ही फारिग है, खातून बहुत बड़ी हुई अब स्पेशलिस्ट है। ओके तो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।